हेलो नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का Adda247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके आरबीआई असिस्टेंट 2020 की, किस तरीके से स्ट्रैटेजी की जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक्चुअल में एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई 100 नंबर में से 85 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल सा बच्चा जिसके मन में, जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है, वो किस तरीके से सोच सकता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, जब वो बैठता है तो उसको 20 क्वेश्चन, जब 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उसके पसीने छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको ये मिलता है कि वो 15-20 क्वेश्चन से ज्यादा कर ही नहीं पा रहा, मतलब पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, और वो बच्चे जो भाई 33-34 स्कोर कर जाते हैं आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में, तो वो कहां से डिफरेंस आता है, क्या वजह होती है कि हम 35 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे और लोग 35 नंबर स्कोर भी कर दे रहे हैं, क्या डिफरेंस होता है उनकी स्ट्रेटजी में और आपकी स्ट्रेटजी में, क्या क्या जरूरतें होती हैं दोस्तों, उसकी एक छोटी सी झलक, उसके एक छोटा सा हम आपके सामने एग्जाम्पल रखना चाहेंगे। आपके सामने दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बहुत मामूली सा अंतर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम मैथ्स की स्ट्रेटजी बात कर रहे हैं, मैथ्स आरबीआई असिस्टेंट की मैथ्स पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में किस तरीके से भाई हम 32+32, 33 इससे ज्यादा स्कोर, यानी डायरेक्ट हम 35 तक की बात कर रहे हैं, हवा हवाई की बात नहीं है। आपके आरबीआई जो बच्चा एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के एग्जाम को दे रहा है, उसके लिए आरबीआई के 35 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन कर पाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर वो तो मतलब नॉर्मल है, 32-33 नंबर आप मैथ्स में ला सकते हैं, ठीक है। अब मुद्दे वाली बात यह है कि भाई कैसे पॉसिबल है, तो बस डिफरेंस आ जाता है दोस्तों अप्रोचेस का, बस डिफरेंस आ जाता है अप्रोचेस का, मुझे इनइक्वालिटी आती है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई किए हैं, हम लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मुझे पता है कि मुझे मैथ्स आती है और इसी मैथ्स यही आती है मुझे, और इसी वजह से हम कुछ गिने चुने 35 क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाते, ये ऐसा ही होना चाहिए। आप अगर सिंपल सा देखें, हम ये आपके सामने जो क्वेश्चन रखे हैं, आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं, आपको क्वाड्रेटिक आती है, निश्चित तौर पे आप इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर अगर आपने सही तरीके से, सही अप्रोच से पढ़ा है, सही तरीके से प्रैक्टिस किया है, तो आप एक लाइन में देखोगे और आप डायरेक्ट आंसर मार करोगे। अब बात समझ पा रहे हो कैसे अब करेंगे, तो मैंने इसका यूजुअली सेशन के दौरान आप लोगों ने देखा होगा, जब हमने IBPS क्लर्क का सेशन लिया यूट्यूब पे, जो फ्री क्लासेस हमारी चलती हैं, या फिर अल्टीमेट प्लेटफॉर्म पे जो हमारी क्लासेस चलती हैं, उनमें आप लोगों ने देखा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या अप्रोच बताई। बस इतना आपसे कहा कि अगर आपको कॉन्स्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्स्टेंट नंबर के पीछे आपको दोनों इक्वेशन में नेगेटिव साइन मिल रहा है, तो इसका रिजल्ट मेरे दोस्तों क्या होता है, इस इक्वेशन का जो रिजल्ट होगा मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, CND, आप सारे लोग जानते हो, बस इतना ही आपको करना था। निश्चित तौर पे आपको क्वाड्रेटिक आती है, आप उसको सॉल्व करने जाएंगे, आप एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और आप पाएंगे कि पहले इक्वेशन के जो हमारे रूट्स आ रहे हैं उसके साइन क्या है दोस्तों, उसके साइन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हैं, और जो दूसरे वाले हमारे सामने इक्वेशन दिखे उसके रूट्स भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि दोनों इक्वेशन के रूट्स के जो साइन है वो अलग अलग है। भाई किस तरीके से कंपेयर करोगे, दोनों अलग अलग साइन है, आपका रिजल्ट कितना आ गया, CND के बराबर। एक तो ये इक्वेशन रही, अब इसी तरीके से अगर नीचे वाले इक्वेशन को भी देखें, एक तो होता है भाई सॉल्व करने गए टूट पड़े, पूरे ताकत लगाए सिंप्लीफाई किए, लेकिन अगर यही अप्रोच पता है तो सेम वही कहानी देखोगे कि यहां पे भी नेगेटिव साइन, यहां पे भी नेगेटिव साइन, डायरेक्ट आपने कहा कि इसका रिजल्ट कितना हो गया, CND, डिफरेंस यहां से आता है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको अगर आप सही अप्रोच पता है तो 1-2 सेकंड में करके आगे बढ़ के, सही अप्रोच नहीं पता है तो सॉल्व करके, हमें तो मैथ्स आती है भाई, हमको एक कप चाय दे दो, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन लेके आओ, हमको बोल दो सॉल्व करो, हम सॉल्व कर लेंगे, ये मुझे मैथ्स आती है, ये मेरी धारणा है, ये हमने सोच रखा है। इससे अलग उठ के जब आप चलेंगे, जो हमने एक अपने आसपास, अपने मन के आसपास हमने एक जो एक परछाई सी बना ली है, एक होता ना फॉग, वो जो हम लोगों ने बना लिया कि हमें तो मैथ्स आती है, ठीक है, तो इसी वजह से दिक्कत होती है। हमें मैथ्स आती है तो हमें अपने आप को बेस्ट करना है ना, मैथ्स आती है 100% एक्यूरेसी के साथ 100% कर जाओ, उस दिन भाई आप, उस दिन सारे लोग मान लेंगे कि आपको मैथ्स आती है। कहने का मतलब यह है कि मैथ्स आना ना आना वो अलग विषय, किसी को भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करना नहीं आता, उसने बस यही तरीका सीख लिया क्या, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करना आता है, जाहिर सी बात है आपके अंदर ज्ञान ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं था फिर भी उसने क्या किया, आपसे बेहतर स्कोर कर दिया, डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। प्रीलिम्स में स्पीड मैटर करती है, नॉलेज के लिए वो मेंस एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं, बैंकिंग वाले आपकी नॉलेज चेक करने के लिए मेंस एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं, लेकिन आपकी स्पीड को चेक करने के लिए वो प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं।
अब जरा इस सेकंड वाली इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या आपको दिख रहा है, 13x+, ये आपके सामने एक इक्वेशन दिखी, ये भी आपका एक स्पेशल फ्रेम है, एक स्पेशल फ्रेमिंग है। ऐसी इक्वेशन में देखो तो कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, 13, 11, 13, 11 इंटरचेंज हो रहे हैं। कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, 13 और 11 तो इंटरचेंज हो रहे हैं ना। ऐसी इक्वेशन जब भी आपको दिखे तो ऐसे इनको सॉल्व करने के लिए हमेशा पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको यहां पे दोस्तों मिल जाएगा 2x, ठीक है, और 11 में 13 घटाओगे 2x-2y और ये वैल्यू हो जाएगी, 35 में 13 घटाओगे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 22 के बराबर। यहां पे मुझे मिला x-y की वैल्यू 11, यानी हम कह सकते हैं x की वैल्यू y प्लस 11 के बराबर। सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू y प्लस 11, हमें x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमें x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया कि x की वैल्यू y प्लस 11 है, इसका मतलब y की वैल्यू चाहे जो भी रखोगे x की वैल्यू उससे 11 ज्यादा ही होगी। y की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे x की वैल्यू उससे क्या होगी दोस्तों, हमेशा ज्यादा ही होगी। हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, यहां पे y से बड़ी है, x की वैल्यू y से बड़ी है। ऐसे क्वेश्चन का कंक्लूजन जो मैंने निकाल के आपको बताया था कि जब ऐसे आपने सिंप्लीफाई किया और आपको कुछ भी दिख जाए, आपको अगर दिख रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो एक अगर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यही केस आपको बताया था कि x माइनस वाई की वैल्यू अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब x बड़ा होता है y से, और अगर x माइनस वाई की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब होता है कि x छोटा होता है y से। ये हमने आपके सामने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। कहने का मतलब ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों जो आप में और उस बच्चे में डिफरेंस क्रिएट करती है, जो बच्चा आपका स्कोर, जो बच्चा दोस्तों स्कोर करता है 35 के अराउंड, 35 के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां से डिफरेंस क्रिएट होता है। अब जाहिर सी बात है आपको भी होगा कि हाँ भाई आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है, सबका सपना होता है भाई आरबीआई सबसे एपेक्स बॉडी है बैंकिंग सेक्टर की, तो आरबीआई में एंट्री करने का सबका सपना होता है, तो आप भी उस सपने में, अब आपका भी सपना होगा तो कैसे आप लोग भाई इस स्तर पर लेके जाएंगे, इस लेवल पर लेके जाएंगे। तो ऐसी चीजों के लिए दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए, आपके अड्डा 24/7 ने, यानी कि हम लोगों ने लॉन्च किया है आपके सामने एक क्रैश कोर्स, जहां पे ऐसी छोटी छोटी बारीकियों को हम लोग वहां पे सीखेंगे। अब कहां से वो बैच क्या है, मात्र एक दिन बचा हुआ है, कल क्लासेस यानी कि हम बता दें आपको 6th of Jan यानी कि 6 जनवरी से मेरे दोस्तों आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग हम आपको बता देते हैं 11 से लेकर के 2। विजिट करना होगा दोस्तों आपको store.adda247.com। स्टोर कहां से मिलेगा ये बैच आपको, store.adda247.com, यहां से आपको बैच मिलेगा। इस बैच में हम आपको बता देते हैं इसमें होगा क्या, इसमें आपको जो क्लासेस 6th of Jan से क्लासेस स्टार्ट हो रही है 11 से लेकर के 2 तक की क्लासेस होगी। इस बैच में आपको जो मिलने वाला है मेरे दोस्तों, वो मिलने वाला है जो आपके प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा पूरा का पूरा। और वहां पे बेसिक, जैसे आपको मैंने छोटी छोटी बातें दिखाई ना, ऐसे तो हमने बस एक एग्जाम्पल दिया था यार क्वाड्रेटिक का, और कुछ इसमें बहुत मतलब इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ बहुत स्पेशल नहीं था, बस इस चीज को दिखाने के लिए कि हाँ डिफरेंस होता है। अगर आपको महसूस हुआ होगा तो आप भी मानोगे, नहीं महसूस हुआ होगा तो फिर वो तो फिर आप करते रहते हो जिंदाबाद मुर्दाबाद। मैथ्स, रीजनिंग और दोस्तों इंग्लिश, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स टाइप है, हमारे सामने पूरा का पूरा बैच है ये, मतलब प्रीलिम्स का पूरा यहाँ पे बैच है। अब आपके मन में आ रहा क्या, हम अगर मैथ्स मुझे नहीं आती तो क्या आप मैथ्स मुझे सिखाएंगे, यानी कि क्या आप बेसिक से पढ़ाएंगे या आप बिल्कुल हवा हवा में दिखाएंगे, तो मेरे दोस्तों पूरा का पूरा आपका बैच है ये, ठीक है ना। टेक्निकल टीम से चाहेंगे, हम आपको बता रहे हैं उस पर टेक्निकल टीम से आएंगे, स्टोर पे एक बार विजिट कराया जाए तो वहां पे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं। जाहिर सी बात है अगर हम कंप्लीट बैच आपको दे रहे हैं तो कंप्लीट बैच में मेरे दोस्तों हम लोग आपको बेसिक से ही लेके चलेंगे सारी की सारी चीजें। ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको जाना होगा, ये आपके सामने जो थीम दिख रहा है ये store.adda247.com ओपन करोगे तो यहां तक पहुंचोगे। फिर हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस में दोस्तों जाते हैं, यहाँ पे आपके सामने जितने भी लाइव बैचेस आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे बैचेस हैं। एसबीआई क्लर्क भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे देखो विजय पथ का जो बैच है एसबीआई क्लर्क का है, वो भी उसमें भी मैथ्स हम ही पढ़ा रहे हैं। जरा नीचे आइए सर, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट पे, तो और नीचे आइए सर, और नीचे, नहीं नहीं और नीचे, आरबीआई और नीचे है, और नीचे ऊपर ही होगा फिर शायद, और हाँ यही तो है बिल्कुल आरबीआई असिस्टेंट, ये दिख रहा है आपको बिल्कुल, तो ये आरबीआई असिस्टेंट का बैच है दोस्तों। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो कितने घंटे की क्लासेस मिल रही है हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। सर नीचे आइए थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तीन सब्जेक्ट हो गए, 100+ hours की क्लासेस मिलेंगी आपको, 100 से ज्यादा घंटों की क्लासेस, यानी हमारे ऊपर है। अगर हमको लग रहा है कि भाई इतने घंटे में आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो अपने हिसाब से वो क्लासेस और बढ़ा लेंगे। 1000+ दोस्तों आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे अगर आपकी क्लासेस मिस हो जाती है। कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस, लेटेस्ट पैटर्न, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, वो तो अड्डा ने, हमने सारी चीजें वही करवाई है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इस बैच को अगर आपको परचेज करना है, कैसे परचेज करेंगे सर, ऊपर जाइए थोड़ा सा। अब इस बैच को आपको परचेज करना है, आपने क्या कहां पे क्लिक किया, बाय नाउ पे। प्राइस आपको ज्यादा दिख रही है सर, ऊपर वाला रिमूव कर दीजिए, प्राइस आपको यहां पे दोस्तों ज्यादा दिख रही होगी। अब ये आपको देखो प्राइस दिख रही 2999, ठीक है ना, ईमेल कोई भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कूपन कोड दिख रहा होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। उस कूपन कोड पे जाएं आप और वहां पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आप Y179, दोस्तों ध्यान रखिएगा Y179, ठीक है, Y179, ठीक है। ये आपके सामने दोस्तों कूपन कोड है, इस कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे देख लीजिए कितने परसेंट का ऑफ मिल रहा है, ठीक है, 1799, यानी कि लगभग आपका 50% अप्रॉक्स आपका 50% प्राइस आपकी ऑफ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल टीम स्क्रीन पे ला जाए हमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से, आप लोगों ने इस चीज को देखा कि किस तरीके से एक नॉर्मल कैंडिडेट, यानी कि वो बच्चा जिस जो अभी भी पढ़ाई शुरू किया है, जिसके अंदर मैथ्स ये हुनर है कि उसको मैथ्स आती है, वो उसका वो ये चीज उसको महसूस होती है कि उसको मैथ्स आती है। तो हमने आपको दिखाया कि मैथ्स अगर आपको आती है वो मैथ्स, और जिसको मैथ्स जो आपकी एक्चुअल में बैंकिंग की मैथ्स होती है, जब 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं तो वहां पर किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें फिर उसके बाद मेंस जाओगे वहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो डिफरेंस होता है ना स्पीड और नॉलेज, ये जो डिफरेंस होता है, उन चीजों की आपके सामने एक छोटी सी झलक रखने की कोशिश की। उम्मीद करेंगे मेरे दोस्तों कि हम मिले आपसे कल, जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी, आपसे मुलाकात होगी वहां पे, आप सारे लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस चीज को ज्वाइन करें और बैंकिंग की जो एपेक्स बॉडी होती है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ज्वाइन करने का सपना आपका पूरा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए विदा लेते हैं आपसे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।